हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैसे आप लोग तीनों का एक नया शो आ रहा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। शो शुरू होने बधाई मांगने वाले पहले आ जाते हैं। आपने देखा लोग ऐसे मिलते हैं, मिल भी ऐसे रहती है। हेलो, चलो बाहर जाके बैठो, जाते हो कुछ देके जाएंगे आपको। एक्सक्यूज मी, मैं बधाई मांगने नहीं, मैं कुछ काम की बात करने आई हूँ। उनके पास बहुत काम है, तुम्हें जो मिला वो ढंग से करो। एक सेकंड, मैं ना बहुत अच्छा काम करती हूँ, तभी तो सोनी साहब मुझे हर एपिसोड में देखना चाहते हैं। वो तो सोनी साहब को हम हर एपिसोड दिखाते नहीं, उनको पता चल जाए तुम हर एपिसोड में होती हो, वो ये शो ही सेट मैक्स पे शिफ्ट कर दे। आपको पता है उस दिन सूर्यवंशम आ रही थी तो जो ठाकुर साहब थे बिना खीर खाए उन्होंने उल्टी की, इनका सीन देख के। करवाती। अरे जब मर्ज का पता चल जाएगा तब इलाज भी करवा लूंगी। डोंट वरी, मतलब मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी जरूर। माय गॉड, ऐसे मलाइका मैम साथ, तेरा रिश्तेदार। तुम्हारे दोस्त मेरे रिश्तेदार, सेम सेम कप्पू। आज क्या लौकी लग रही तू? लौकी कप्पू शर्मा। वैसे शत्रु जी का ना एक बहुत फेमस डायलॉग है जो मैं तुम्हारे लिए अर्ज करना चाहूँ। कौन सा? इरशाद इरशाद खामोश। आवाज दिखी और वेरी गुड। वाह, तो मैं कह रही थी मलाइका मैम कि मैं ना चाहती हूँ कि मैं आप तीनों जजेस के साथ डांस और जज करूँ। उनके जज फाइनल हो चुके हैं, कुछ चेंज नहीं हो सकता। यू कैन गो नाउ। क्यों? चलते शो में जज चेंज करना सिर्फ इसी शो में हो सकता है। आपको बोल रही है। अरे हमने भी कुछ सीखा है अर्चना मैम से। थैंक यू। और टेरेंस, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जजमेंट ना बहुत अच्छा है। हाँ, ये आदमी के होठों को देख के बता देती कौन सी बीड़ी पीता है। अच्छा, होटल में बात करनी है। आज फिर ये एपिसोड 3 घंटे का होगा। कपूर रहने दो, वैसे भी मेरे होटल के चर्चे दूर दूर तक है। दूर दूर तक नहीं, जहाँ तक होटल वहीं तक है। यू मीन दूर दूर तक ही है। देखो, उनको कोई जरूरत नहीं है जज की, दबा जाओ। अच्छा, तो अगर जज नहीं तो शो की होस्ट तो बन ही सकती हूँ। अरे बाप रे, चलो डेमो हो जाए फिर। कैसे करोगी? दिखाइए दिखाइए। इसको होस्टिंग कहते हैं? सेलिब्रिटीज के साथ फ्लर्ट करने को भी होस्टिंग नहीं कहते हैं। असली वाला ऑडिशन आपको दिखाती हूँ। दिखाइए प्लीज। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है इंडिया बेस्ट डांस शो में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त भूरी। हमारे अगले कंटेस्टेंट है मिस्टर चमनलाल बिहार से। होस्ट का दोस्त, वाह वाह वाह। शो शुरू हुआ, अपने मामा को पहले सेलेक्ट कर लिया। चमनलाल जी बिहार से। तुम अपने दोस्तों को शो में रख सकते हो, मैं रिश्तेदारों का नाम नहीं ले सकता। कैसा था मेरा परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा था, आपने बहुत साफ बोला है एंड आई थिंक आपको एक मौका लेना चाहिए। साफ तो तोता भी बोल लेता, उसको रख ले होस्ट। तो इतनी टैलेंटेड, तू सर्कस में जोकर क्यों नहीं बनती? अब सर्कस जितना करना था हमें हम कर चुके कप्पू। ये लड़की बोलने लगी है, अच्छा लग रहा है। अब तो हमारा रिंग मास्टर भी यही सामने बैठा है। अच्छा, आज रिंग मास्टर बोल रही है आपको? हाँ। वो दिन भूल गए जो दो दो नंबर के लिए उनके ड्राइवर को हक करती थी। ये आपको पता, मैं एक बात बता दूं, ब्यूटी पार्लर वाली बात। जब ये ब्यूटी पार्लर जाती ना तो ब्यूटी पार्लर वाले बोलते पहले 2-3 पार्लर जाके इधर आया करो। ऐसे डायरेक्ट बोलते हमारे नहीं आना। हो गया। उस दिन इसकी दीदी की शादी थी, जीजू से कहती 1100 रुपए दो मेरे को जूता चुराई के। वो कहता 10,000 ले, आगे से ये फेस लेके मेरे सामने नहीं आना। ये कुछ भी बोल रहा है गीता माँ, मतलब भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान का दिया ही है बस इसके पास। वो भी दिवाली पे चुराया था इसने। बरसातें होती ना, दिए में बैठ के कॉलेज जाती है। मलाइका मैम, आप प्लीज इसकी बातों को इग्नोर कीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, मैं ना
अच्छा कुछ नहीं तो मैं क्योंकि डांस अच्छा कर लेती हूँ तो मैं एज अ कंटेस्टेंट भी आने के लिए तैयार हूँ। लो जी, जज से शुरू हुई थी, कंटेस्टेंट पे आ गई, थोड़ी देर बाद बोलेगी मैं जनरेटर में तेल भी डाल सकती हूँ, मैं सेट पे कपड़ा मार सकती हूँ, तो क्यों करती है ऐसे काम? गुड बात, हद है यार। नहीं सीरियसली ट्रस्ट मी मैम, मैं ना देखिए मुझे मेंटोर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपना परफॉर्मेंस खुद कोरियोग्राफ भी कर लूंगी। ओह नो, वेरी गुड। लेकिन आपको पता है ना कुछ आपको करना है वहां पे, आप 90 सेकंड है। हां ओके, एंटरटेनमेंट, नयापन और टेक्निक भी करना चाहिए। आप 90 दिन दे दो अगर ये कर गई। लेकिन मैं बता दूं, इससे जेन्युइनली टैलेंटेड, बरेली में इसका स्कूल है, शराबियों को नागिन डांस सिखाती है। हाँ हाँ, नागिन डांस, नेवले का डांस, सब डांस सिखाती हूँ। भड़क गई, मैं नहीं बात कर रही। ये नागिन का डांस दिखाइए। ले 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 ले। नागिन अभी आएगा, लाइव परफॉर्मेंस होगा। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट ड्रेस? ड्रेस? वाओ! ओह माय गॉड! I'm in shock. मस्त लग रही है। Hello, guys. नागिन बोला था सामने, आजकल आ गया। Oh my God. भारती मैं बड़ी खुश हूँ। Excuse me. हाँ। बहन आप कौन? मैं वही हूँ जो दो मिनट पहले आप बनने की कोशिश कर रही थी। India's best dancer की host. बहन आप तो नाराज होगी, कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, आप शो की होस्ट हैं, मैं होस्ट बनने वाली, तो होस्ट होस्ट दोस्त होते हैं। हाँ, इसका यही है, पहले दोस्ती करती फिर उधार लेती है फिर शहर छोड़ जाती है। तुम्हें बोला बीच में बात करने के लिए, तुम चुप रहो। देखिए भारती जी, देखिए आप होस्ट हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहती हूँ। देखिए आप ना बिल्कुल भी नर्वस मत होना, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, दैट्स ऑल। हेलो बीनी, मेरा ए टू जेड सब कॉन्फिडेंट में है। और हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस सिखा रही है, मैंने इतने शो होस्ट किए उतने बने भी नहीं है। अच्छा ये सब बातें बंद करो भारती, आप बाहर जाओ, इसका मुंह तोड़ दो। एक्सक्यूज मी, मुझे क्यों नहीं बोला इसका मुंह तोड़ने के लिए? मुझे पता है तुम तोड़ नहीं सकती। भारती किसने सिखाया ये कैटवॉक, बताइए सबको। एक लड़की है जिसने मुझसे फिगर बनाना सिखाया, मलाइका अरोड़ा। क्या बात है। नहीं नहीं जजेस, आई थिंक ये ना कप्पू ना मुझे आप लोगों से बात करनी नहीं देगा, तो मैं आपको आपके सेट पे मिलूंगी नेक्स्ट। देखा हटी नहीं अभी। वेलकम, आप आइए, है ना, लंच भी करेंगे साथ में। डन डन, अब तो आएगी पक्का। लंच के नाम पे तो हरिद्वार चली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द शो, बाय बाय, थैंक यू, बाय कप्पू। स्वागत हमारी प्यारी भारती का। ये चली गई भाई, अब मैं बैठी हूँ आराम से, जितने मर्जी सवाल मुझसे, एक मिनट, मेरा ना होता नहीं भाई, ऐसे निकल ऐसा हो जाता है। तुम अकेली नहीं हो बहन, आपका भी नहीं होता। करो कोशिश तो करो, इतनी हिम्मत नहीं है। देखो बस खत्म भारती, मैं सीख रही हूँ, मैं तो सीख रही हूँ बहन तुमसे। हाँ सीख रहे हैं। हाँ जी भाई, पूछ लीजिए जितने सवाल। बड़े हॉट लग रहे हैं आज। हाँ, थैंक यू, यू टू, थैंक यू, वेरी नाइस पार्टी, थैंक यू, थैंक यू, तालियां मार दो इसमें। भारती पहले तो ये बात बताओ, ये शो आप अकेली होस्ट कर रही हैं? नहीं नहीं भाई, मेरे पति भी होस्ट कर रहे हैं, हर्ष। जैसे पेमेंट के साथ जीएसटी आती है, सब्जी के साथ धनिया आता है, वैसे भारती के साथ हर्ष भी आता है। अच्छा भारती है पंजाबी, शादी की इसने गुजराती से, कॉम्बिनेशन देखो कितना खतरनाक है। भारती सच सच बताना कितना मजा आ रहा है आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में? अच्छा वाला शो चल रहा है भाई, क्यों मूड खराब कर रहे हो? बेटा इस शो के बाद घर भी जाना तुझे, तेरी सास पकड़ेगी तुझे। मैंने खुद उनको बाहर रखा हुआ, चाबी मेरे पास है। सो वाकई मैं गुजराती फैमिली को गई हूँ, कहते लोग बड़े कंजूस होते हैं, और ये सच बात है। जैसे मैं गोवा से वापस आई और वो मटका वटका रखा था कि बहू चावल गिरा के अंदर जाती है, तो मेरी सास ने कान में बोला धीरे से गिराना, रात को इसी की दाल खिचड़ी बनानी है। भारती हर डरता है क्या? अगर उसकी सेहत अच्छी होती तो आपको नहीं लगता वो डरता? नहीं होता। ऐसे कहती हूँ पैंट गीली हो जाती है मैम, पंजाबी है ना।
लग रहा है ना बेचारा। आप कितना ध्यान देती हो मैम? काफी। वो भी आपके जिम कॉस्ट्यूम में सारे ध्यान देता है। मैंने कितनी बार देखा सोशल मीडिया पे इनके जिम वियर में फोटो डालते ना, बोतल पकड़ी होती है। हाँ। तो हर्ष वहीं पे स्टॉप कर देता है, मलाइका मैम देख तो आप गाड़ी पे ऐसे चढ़ रही हो तो यहाँ से जूम करता आप ऐसे हो जाते। ऐसे कर कर गीता माँ को बिल्कुल जूम नहीं करता क्योंकि हम दोनों पहले ही जूम होते हैं। भाई साहब आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऑल गुड ऑल फाइन। नहीं नहीं क्योंकि ये भी जूम करके देखते हैं। भारती एक बात बताओ, इस शो में मलाइका भी जज हैं तो इनकी फिटनेस को देख के कॉम्प्लेक्स नहीं होता आपको? आया था भाई कॉम्प्लेक्स, फिर मैंने साथ वाली कुर्सी पे गीता जी को देखा, कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। गीता माँ जब कमेंट देती है उनको खांसी आती ना, साथ वाले करते। एक बार तो तबीयत खराब थी, इतने जोर से खांसी कि मलाइका मैम तरफों वाले दादा के पास। मलाइका मैम जब फोटो शूट करती है ना हर शूट के पहले, और ये लंबे लंबे ऐसे स्लिट्स पहनती है, तो मैं वहीं खांसने के लिए जाती हूँ तो खुल जाता है ऐसे। उड़ता ऐसे आ जाती है ऐसे। पता नहीं मैम आप कितना, मतलब आपकी टांग ऐसी चिकनी है, मतलब शाइन वाली, हमारे खुरक खुरक के दाग पड़े होते हैं। ये चीजें सीखनी है मुझे आपसे, पतले होके मुझे आपके जैसे कॉस्ट्यूम पहनने हैं। जी मेरे सारे जो कॉस्ट्यूम्स है मैं आपके लिए रख रही हूँ। उसकी तो बाजू बनेगी ना, बाकी का भी करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया ना कि हमारा इंडियाज बेस्ट डांसर कैसे होने वाला, बड़ा मजेदार होने वाला है। अच्छा भारती एक बात बताओ, आपने और हर्ष ने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है, तो डांस ज्यादा मुश्किल है या होस्ट करना? भाई दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये चीज बड़ी आसान है कि इससे बैठ के पूछना भारती तुमने जो शो किया था। वो बहुत आसान है बैठ के पूछना, और उससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन तो ये है असली भारती करेक्टर में, तो ये लिमिट में रहती ना, अब ये आएगी अपने रूप में। आपको भगवान बचाए। मैं ये बात पूछ रहा था कि दो महिलाओं के साथ बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं, दो और आ गई अब। तो भारती एक बात बताओ, यहाँ अच्छा खासा चल रहा था, इंडियाज बेस्ट डांसर करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जैसे इंडियन आइडल वाले बड़े ढीठ है ना सर, 10 बजे तक जाते ही नहीं है। हाँ। ये मैंने टाइम पे खत्म करना है। चाहे कितना भी बड़ा जजेस का सीरियस वाला कमेंट चल रहा हो कि आप अपनी लाइफ से आगे निकल कर आए हो, इंडियाज बेस्ट डांसर, मैंने मुंह के पास कहना चलिए मिलते हैं कल रात को 8 बजे, थैंक यू, गुड नाइट। मैंने 9:29 पे शो खत्म करवा देना है सुपर, और उसके बाद देखेंगे कपिल शर्मा शो। और साथ साथ में सही बात है, साथ साथ में मैंने अपने शो की प्रमोशन भी करते रहना भाई, कि कपिल शर्मा शो में इतना मजा आता है जब कम्मो बुआ वहां से निकल के आती है और भाई को कहती आ रहा है कम्मो बुआ आ रही। खैर मैं अभी जाती हूँ क्योंकि मेरे लाइव इवेंट है, मुझे जाना है क्योंकि इनके पास एक ही शो है, मेरा इवेंट है आज। और लेकिन आप सबको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, एवरी सैटरडे संडे कपिल शर्मा शो देखना मत भूलिएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.